अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड चैनल फूड ट्विस्ट। आज हम बना रहे मटन हांडी बिरयानी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg मटन का गोश्त, 3 प्याज, 1/2 कप ऑयल। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म रख दिया, तो अभी इसमें प्याज डालेंगे। यह रफली चपकी है मैंने, तो ये तब तक पकाना जब तक ये ब्राउन होता है। प्याज माशाल्लाह से ब्राउन हो गए, तो अभी इसमें मीट डालेंगे। मीट को भी अच्छे से भून लें जब तक इसका कलर चेंज होता है। जो मसाले मैं यूज़ करी वो है 1 tablespoon भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 teaspoon साबुत ज़ीरा, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। अभी यहाँ पर मैं 1 tablespoon भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी भून लें साथ। अभी इसमें सब मसाले, अभी मैं डाल दी मिक्स मसाले साबुत। अभी 1/2 cup योगर्ट, इसको मिक्स कर ले अच्छे से। इसको 2 मिनट के लिए भून लें। 2 मिनट हो गए तो अभी इसमें 5 कप पानी डालेंगे। 5 कप पानी, बिस्मिल्लाह। ये खेत में मैंने बॉईल कर लिया। तो अभी टमाटर डालेंगे, 2 टमाटर। तो अभी इसको प्रेशर लगा के तो ये 25 मिनट्स के लिए बंद कर दें। ये बॉईल पर आ गए तो अभी इसको कवर करते हैं। ये टाइमर मैंने सेट कर दिया 25 मिनट्स के लिए। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें 1 teaspoon नमक डाला मैंने और 1 teaspoon तेल। माशाल्लाह 25 मिनट्स बाद खोले तो गोश्त बिल्कुल गल गया है। तो अभी क्या करना है, इस पानी को ड्राई करना है। यहाँ पर मैं 1/2 प्याज यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं ब्राउन करूँगी बिरयानी के लिए। यहाँ पर मैं 2 कप चावल की यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया। अभी इस वक्त मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। चावल माशाल्लाह से परफेक्टली बॉईल हो गए, तो अभी ये पानी निकालते हैं। गोश्त भी रेडी हो गए, तो अभी गैस ऑफ करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर हांडी मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। पहले इसको हीट करना पड़ता है क्योंकि ये मट्टी की है। तो अभी इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे इसको ग्रीस करने के लिए। हाँ,
हांडी को मैंने ग्रीस कर लिया, तो अभी इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पर मैं एक ही लेयर बना रही हूँ बिरयानी की, हाफ चावल डालेंगे इसमें पहले। अभी इसके ऊपर मीट डालेंगे, अभी मीट के ऊपर पुदीना के पत्ते और धनिया डालेंगे। फिर इसके ऊपर चावल, अभी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया फिर डाला है, तो अभी डालेंगे जो प्याज मैंने ब्राउन किया है। प्याज ऊपर डाल दिया माशाल्लाह से, तो अभी थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर चावलों के ऊपर। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून देसी घी डाला है और फूड कलर मैंने ऊपर डाला है, तो इसको 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 15 मिनट हो गए, तो चले चेक करते हैं। माशाल्लाह देखे, माशाल्लाह से देखे कितने जबरदस्त तैयार हुए हैं। तो चले अभी डिश ऐड करके तो आप सबको दिखाते हैं। हमारी आज की रेसिपी हांडी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।